बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रोज़ीना रफ़ीक एंड आई विल टीच यू साइंस फॉर क्लास 7। इन द मंथ ऑफ मे वी विल रीड चैप्टर नंबर 9, हीट एंड एनर्जी। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लेन यू हाउ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र फॉर वन बॉडी टू अनदर, टू एक्सप्लेन द मेथड ऑफ conduction and to describe the use of conduction in daily life. In this lesson, matter is made up of tiny particles. These may be atoms or molecules depending on the substance. इट्स मीन्स के मैटर क्या होता है, मैटर पार्टिकल होता है बहुत ही छोटा, और ये एटम और मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड होता है ये सब्सटेंस। द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और ये पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ मेटल बार दे आर वाइब्रेटिंग, एक मेटल बार में ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और मूव करते रहते हैं, राइज भी होते हैं और लो भी हो जाते हैं, कभी कभी ये वाइब्रेट से बहुत फास्ट भी हो जाते हैं। इन सिंपल वर्ड हीट इज़ आ डिग्री ऑफ टेम्परेचर, और आसान अल्फाज में ये है कि टेम्परेचर की जो है वो डिग्री है। बट इन साइंटिफिक टर्म्स हीट इज़ आ टाइप ऑफ एनर्जी, साइंटिफिक फॉर्म में हीट को क्या कहते हैं, हीट को एनर्जी की ही शक्ल कहते हैं। ठीक है, हीट को एनर्जी की ही शक्ल कहते हैं। When an object is heated, जब कोई object heat up होता है तो its molecules gain energy and start moving faster. तो इस ये molecules जो हैं energy ले लेते हैं और fast move करने लगते हैं as they vibrate, और वो vibrate करने लगते हैं, they bump into each other, एक दूसरे से टकराते हैं at a faster, बहुत ज़्यादा fast rate में वो टकराते हैं, push the particles in front of them, एक दूसरे से आपस में टकराते हैं। as this movement continue heat travel from one end of the object to the other. इससे क्या होता है कि इसके particles जो हैं तेज़ी के साथ heat up होकर travel करते हैं और एक end से दूसरे object के दूसरे end तक वो travel कर जाते हैं। Conductor and insulator, अब ये देखिए conductor क्या है और insulator क्या है। Material like iron, steel and copper that allow heat to travel through them are called good conductor. वो चीज़ें, वो materials है, लोहा कॉपर, ये जो हैं वो good conductor हैं, अपने अंदर से गुजरने देते हैं, electricity को good conductor कहलाते हैं। और वो material जो अपने अंदर से गुजरने नहीं देते, pass नहीं करते electricity को, वो bad conductor कहलाते हैं। और insulator क्या होता है, insulator वो चीज़ें होते हैं जो आसानी से electricity को pass ना होने दें, अपने अंदर से पास ना होने दें। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड हीट अप क्विकली बाय द हीट ऑफ द सन, दिन के वक्त सन की रोशनी की वजह से अर्थ जो है हमारी बहुत तेज़ गर्म हो जाती है। एज अ रिजल्ट द एयर अबव इट बिकम हॉट, हवा भी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। एज दिस एयर डिपेंड एंड राइज इन कूलर एयर अबव द सी ब्लो इन टू टेक इट्स प्लेस, क्या होता है कि जो दिन के वक्त रोशनी होती है, दिन के वक्त जो हीट होती है उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और वो समंदर की तरफ जो है वो चलने लगती है। इन टू टेक इट्स प्लेस दिस कॉल सी ब्रीज, तो इसको क्या कहते हैं, इसको सी ब्रीज कहते हैं। एट नाइट, और लैंड ब्रीज कब होती है, लैंड डे ड्यूरिंग डे टाइम होती है। एट नाइट, रात के वक्त, द सी वाटर विच हैज़ एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द डे, रात के वक्त क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब कर लेती है, जो गर्मी एब्जॉर्ब कर लेती है दिन के वक्त, वो वाटर जो एब्जॉर्ब कर लेता है, रिमेन हॉट एंड लॉन्गर टाइम दैट लैंड एंड सो द एयर अबव द सी वार्म अप, तो वो बहुत तेज़ गर्म हो जाता है। इट एक्सपेंड एंड राइज इन दिस वे द कवरिंग करंट इज रिसीव्ड, तो वो तेज़ हीट अप होने की वजह से वो जो है
द ब्रीज नाउ ब्लो फ्रॉम द कूलर, फिर वो जब आराम से वो जो बहुत तेज गर्म हो जाती है वो जब कूल डाउन होती है, कूल होती है, द ब्रीज नाउ ब्लो फ्रॉम द कूलर लैंड टू द सी एंड इट्स कॉल्ड द लैंड ब्रीज, तो वो ज़मीन की तरफ चलना शुरू कर देती है, वो हवा जो है, वो विंड जो है ज़मीन की तरफ जो जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको लैंड ब्रीज कहते हैं। टू टाइप की यहाँ पे लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आपने पिक में देखा होगा, बज़ाहिर दिख रही हैं आपको कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होती है, लैंड सी ब्रीज क्या होती है, सी ब्रीज डे टाइम में होती है और लैंड ब्रीज क्या होती है, लैंड ब्रीज नाइट टाइम में चलती है। अच्छा, इस चैप्टर में मैंने इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए हैं जो कि आपकी बुक पेज नंबर 89 पर हैं। 89 पर आपके क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी है पेज नंबर 90 पर, जो कि पूरी की पूरी देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी एंड डी टोटल पूरी एक्टिविटीज़ दी हैं। उसके बाद पेज नंबर 92 पर आपका सवाल नंबर ये आपको दिख रहा होगा, हीट इंसुलेटर, हीट क्या है इसके बारे में इसको डिफाइन किया हुआ है, इंसुलेटर के बारे में डिफाइन किया हुआ है, हीट इंसुलेटर, कंडक्टर, रेडिएशन, कन्वेक्शन, ये सारे जवाबात इसमें आपको दिख रहे होंगे। कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, इंसुलेटर क्या है, ये लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज को भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि लैंड ब्रीज क्या है, सी ब्रीज क्या है, टाइप ऑफ थर्मोमीटर, अच्छा टाइप ऑफ थर्मोमीटर के बारे में भी यहाँ पे आंसर में अच्छे से डिफाइन किया गया है कि ये टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर को जो है वो शो करता है और उसकी मदद से हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को के कितना है, फीवर कितना है, उसको हम जांच सकते हैं, उसकी मेजरमेंट को पहचान सकते हैं। टेम्परेचर की मेजरमेंट के बारे में भी इसमें बताया गया है एंड टाइप ऑफ थर्मोमीटर के बारे में भी बताया गया है कि कितने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, देर आर 5 टाइप ऑफ थर्मोमीटर। और यहाँ पे फिर इसके साथ साथ इसकी डायग्राम भी आप बना सकते हैं और यहाँ पे सवालात के जवाबात आपको वाज़े तौर पर बताए गए हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पे करने हैं। इसके बाद टेम्परेचर, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, टेम्परेचर और कंडक्टर, इंसुलेटर, कन्वेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको वाज़े दिख रही होंगी। आप ये सारा काम अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और मे का ये सेकंड चैप्टर है हमारा और यहाँ पे हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 है ये हमारा मे का, यूनिट नंबर 9 है ये हमारा, हीट एंड एनर्जी। हीट एंड एनर्जी का सारा काम मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी इसमें और सारे क्वेश्चन आंसर्स के मैंने यहाँ पे आपको आंसर्स भी बता दिए हैं। इसके अलावा हमारा एक सवाल और है जो कि है हमारा करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 92 पर आपको करेक्ट द स्टेटमेंट्स भी दिख जाएंगे। ये सारी एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन उतार के लेकर आइएगा, सारे क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, वाजे तौर पर पिक बनाइएगा इसकी, नीट एंड क्लीन सारा सफाई से आप काम कीजिएगा और अपने सिलेबस के हिसाब से ये आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जो चीज़ समझ नहीं आए